नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंची स्टेप ड्रिल साइज के बारे में, कि जो हमारे इंचेस के जो टैप हैं उनको ड्रिल साइज मीट्रिक में हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो गाइस, इससे पहले मैंने इंग्लिश में ये वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि सर इसका हिंदी वेरियंट भी बनाइए। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको हिंदी में समझाऊंगा कि किस तरह से हम इंचेस टैप ड्रिल साइज को मीट्रिक में इंचेस ये जो टैप हैं उनके लिए ड्रिल साइज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ भी मैं बहुत सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, तो उसको भी जाके ज्वाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे टैप्स हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। सो टैप के बारे में दोस्तों, मैं मीट्रिक जो टैप ड्रिल साइज है उसकी कैलकुलेशंस के फार्मूले और किस तरह से हम टैप ड्रिल साइज निकालते हैं मीट्रिक के लिए, वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए अगर आपको मीट्रिक के टैप ड्रिल साइज सीखने हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इंचेज वाले टैप, इंचेज के टैप ड्रिल के लिए हम क्या ड्रिल साइज करना होगा। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, सपोज दैट हमारे पास ये एक 3/4, तो टैप जो होते हैं इंचेज के टैप उसमें कुछ इसी तरह से साइजेस दिए होते हैं और यहाँ पर उसकी BSWN 10 लिखा होता है। 10 जो होती है इसकी TPI, TPI का मतलब होता है दोस्तों थ्रेड पर इंच। इट मीन सपोज दैट यहाँ तक हमारा ये जो डिस्टेंस है 1 इंच का है, तो 1 इंच में कितनी थ्रेड्स कटी हुई है, TPI कितनी है, यानी थ्रेड पर इंच। तो यहाँ पर हमें जो है वो TPI मेंशन किया जाता है, जिसमें जैसे अगर हम ये बताएं 3/4 जो है वो 6 सूत के बोल्ट होता है, 6 फूत का टैप है ये हमारा। तो इसकी जो TPI है वो स्टैंडर्डाइजेशन BSW की अकॉर्डिंग 10 TPI होती है इसमें। सो इसके लिए हमें क्या होगा, इसका जो फार्मूला है मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि हमें किस तरह से हम फार्मूले की हेल्प से इजीली कोई भी अगर आपको इंचेस का टैप ड्रिल साइज है तो आप निकाल सकते हो। सो फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला इज आप देखेंगे यहाँ से, जो फार्मूला है हमारा टैप साइज इंटू 7/8 माइनस 1/32। तो सो इस फार्मूले की हेल्प से आप इजीली किसी भी इंचेज टैप ड्रिल साइज को कन्वर्ट करके आप ड्रिल के लिए जो भी साइज है वो निकाल सकते हो। सो अगर हम फार्मूले की बात करें, सपोज दैट हमारे पास एक ये जो बोल्ट है हमारा 3 सूत का बोल्ट है ये, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि 3 सूत का बोल्ट है या नहीं है, तो 3 सूत का जो बोल्ट होता है उसकी जो TPI की बात करें तो TPI होती है उसमें 16 TPI, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है 3 सूत का बोल्ट है, 3/8 इजकल टू 3 सूत। सो इसकी जो TPI है वो 16 TPI होगी। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बार, ये स्क्रू पीच गेज है भाई, जिस स्क्रू पीच गेज पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से इसको पूरा यूज़ करते हैं कंप्लीट, तो वो वीडियो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए मैंने 16 जी की मैं जो गेज है वो इसमें लगा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो रही है। तो इसका मतलब ये इसको 3 सूत का बोल्ट है और इसकी जो TPI जो है वो 16 है। तो इसी साइज़ का हमें साइज़ के लिए हमें टैप करना है और उसके लिए जो ड्रिल साइज है वो फाइंड आउट करना है। तो फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जब सॉल्व दिस फार्मूला। सो हमें ये जो ड्रिल साइज निकल के आएगा वो हमारा 19.64। सो इसको कन्वर्ट करते हैं इंचेज में, तो इंचेज जो वैल्यू आती है इसकी 0.296 इंचेज। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं mm में, तो mm में जो वैल्यू है वो 7.518, या फिर आप इसमें आप कर सकते हैं 7.5 और 7.6 का ड्रिल इस टैप के लिए, इस टैप के लिए 3/8 टैप के लिए आप इजली कर सकते हैं। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप आसानी से कोई भी जो टैप साइज है उसके लिए ड्रिल, इंचेस टैप साइज के लिए ड्रिल का फार्म निकाल सकते हो। सो मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी हम एक और एग्जांपल के जरिए फिर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक टैप के जरिए, जैसे बताया था मैंने कि हमारे पास एक टैप है ये 3/4 यानी 6 सूत का एक टैप है, और इसके लिए आपको फार्मूला लगा के ड्रिल का साइज निकालना है। सो फार्मूला है हमारा वही सेम फार्मूले की हेल्प से हम निकाल के देखेंगे। सो इसकी भी जो TPI मैं बता चुका हूँ 10 TPI है इसमें। सो इस फार्मूले का अगर हम जैसे ही सॉल्व करेंगे इक्वेशंस, तो 3/4 × 7/8 − 1/32 सॉल्व करने के बाद हमारा जो इसका ड्रिल साइज है वो 5/8 = 6.625 इंचज। तो ये जो है हमारा इसका इंचज में
ड्रिल साइज़ निकल के आता है। सो अगर कई बार क्या होता है इंचज़ के ड्रिल साइज़ नहीं होते, क्योंकि हम ज़्यादातर इंडियन स्टैंडर्ड में हम मीट्रिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो मीट्रिक के यानी एमएम साइज़ के ड्रिल्स हमें ज़्यादा होते हैं हमारे पास। तो एमएम के लिए आपको क्या करना होगा, इस साइज़ को हमें कन्वर्ट करना होगा एमएम साइज़ में, और एमएम साइज़ में हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो अगर गाइस अगर आप कन्वर्जन सीखना चाहते हो तो कन्वर्जन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हो। तो कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है 15.87 mm, सो आप 15.8 और 15.9 या 16 mm तक के ड्रिल आप इस टैप के लिए कर सकते हो इजिली। इस तरह से आप इंचज टैप से ड्रिल के लिए, टैप के लिए जो भी ड्रिल साइज़ है वो आराम से इजिली आप इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। फिर मैं आपको एक और फार्मूला भी है हमारा, इसमें हम पिच के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो जो कि मैंने आपको पहले टैप साइज़ जो है मीट्रिक टैप साइज़ है उसमें मैंने ये फार्मूला बताया था आपको। तो इसमें क्या फार्मूला है हमारा, ड्रिल साइज़ इज इक्वल टू टैप साइज़ माइनस पिच, जैसा कि हम पहले फार्मूले में हमने यूज़ किया था। सपोज दैट हमारे पास एक ये 4 सूत का बोल्ट है, जिसको हम आधा इंच या हम 4 सूत बोल सकते हैं। तो 4 सूत के जो बोल्ट है उसकी जो TPI होती है वो 12 TPI होती है, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है 12 TPI। और मैं आपको यहाँ से चेक करके भी दिखा देता हूँ स्क्रू पिच गेज की हेल्प से। इसमें ये 12G, देखिए 12G की गेज की चूड़ी इसमें एग्जैक्ट फिट हो रही है कुछ इस तरह से। सो, ये जो 4 सूत का बोल्ट है इसके लिए हमें अगर हमें ड्रिल साइज निकालना है, तो हम वही फार्मूला सेम इसमें लगा पुट करते हैं। तो फार्मूला हमारा है टैप साइज माइनस पिच। सो इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहले हमने इसमें क्या है, हमें TPI दिया हुआ है, इसमें पिच नहीं है, फार्मूले में हमने पिच मेंशन किया है। तो क्या करना होगा हमें इसके लिए, इसकी पिच निकालनी होगी। तो पिच निकालने का जो फार्मूला होता है 1/TPI, ये जो फार्मूला है इंचज के लिए यूज होता है, इंचज की पिच निकालने के लिए, क्योंकि इंचज साइज के बोल्ट में हमें TPI मेंशन किया होता है, और मीट्रिक में हमें डायरेक्ट पिच दी जाती है, तो हम इजीली उसको पिच को माइनस करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हमें पिच निकालना होगा, तो पिच निकालने के लिए जो फार्मूला 1/TPI इक्वल टू, तो 1 इंच जो होते हैं 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। तो हम क्या करेंगे 25.4/12 करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद 2.11 mm पिच, इस 4 सूत के बोल्ट की जो पिच है वो 2.11 mm है। सो इसी वैल्यू, इस पिच की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे फार्मूले में। सो फार्मूले हमने इसे अभी 1/2 लिखा हुआ, तो इस वैल्यू को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे 12.7। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो जैसे 1 सूत की बात करते हैं, 1 सूत में जो mm होते हैं हमारे 3.175 mm होते हैं, तो हम 3.175 × 4 करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 12.7। सो इसमें से हम ये सेम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 25.4 × क्योंकि पिच की वैल्यू है, सो यहाँ पर दोनों की माइनस करके तो 10.59, तो इस mm या फिर 10.5 और 10.6 का साइज़ का ड्रिल आप आराम से इस टैप के लिए साइज़ के लिए कर सकते हैं। तो गाइस ये था बहुत ही सिंपल फार्मूले की हेल्प से कि आप किस तरह से इंचज के जो टैप और हैं उनकी उनके लिए जो ड्रिल साइज़ है मीट्रिक में निकालना है, तो इस फार्मूले की हेल्प से आराम से उसको निकाल कर ईजिली कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।